खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए KNN मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिजली का करंट अंधकारमय कर गया गोवंश की जिंदगी, करंट लगने से मौके पर हुई मौत। एक घंटे के अंतराल में एक ही जगह पर दो गोवंश हुए करंट का शिकार, बिजली विभाग पर लगे सवालिया निशान। बरसात का इंसान के साथ साथ जानवरों को भी इंतजार था, पर ये किसको पता था कि आसमान से बरसा रहा अमृत किसी के लिए श्राप भी बन जाएगा। ऐसा हुआ टोहाना के गोवंश के साथ, जो बारिश में किसी आश्रय की तलाश में भटक रहे थे। तभी डांगरा रोड स्थित एक बिजली के ट्रांसफार्मर के पास से उनका निकलना हुआ। प्रत्यक्षदर्शी सोनू जांगड़ा व पूर्व पार्षद ईश्वर सिंह ने बताया कि यहां से निकलते हुए उन्हें करंट लगा, जिससे उनकी मौत हो गई। एक की मौत की सूचना विभाग को दी गई, उसके कुछ समय बाद दूसरे गोवंश की भी मौत हो गई। K9 मीडिया के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट। कितने बजे की घटना है ये? एक तो हुआ लगभग 2 घंटे पहले जी, एक अभी बस 1 घंटा पहले जी, 2 हो गए सुबह से जी। किसकी लापरवाही मानते हैं? बिजली बोर्ड की मानते हैं, लाइन गिरवाई थी हमने, बंद करवाई थी, उन्होंने फिर स्टार्ट कर दी। पहले भी कभी कोई ऐसी घटना हुई है? हाँ जी, पहले भैंस हुई थी एक जी, बेचारा गरीब किसान था जी, उसकी भैंस थी जी, वो हुई थी पिछली बार जी। दो ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर में करंट आता है, इस करके एक खागड़ पहले मर गया था, वो मेरे आने से पहला चकवा दिया था, लेकिन रह गया दूसरा। मेरे पास दो रह को करंट लग गया, और जब खंभे के पास गया जब उसका करंट लग गया तो तुरंत मर गया। हमने STO के पास फ़ोन कराया, नंबर लिया किसी से, नंबर लेके STO के पास फ़ोन कराया तो उसने कर्मचारी भेजे, तो उसने खींच के पुराने ले गए। जब तो पहले भी कोई घटना हुई है यहाँ पे इस तरह? पहला एक गाय मरी थी थोड़े दिन पहला, वो गाय मरी थी। दूसरे ट्रांसफार्मर के पास एक भैंस मरी थी पंडित की, 2-3 साल पहला। तो बिजली विभाग से क्या मांग करेंगे? बिजली विभाग तो कुछ भी नहीं मानते, बिजली विभाग वाले तो जीरो है, वो तो बिजली विभाग कोई सुनवाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं करता किसी का, कोई विभाग। अगर ऐसी स्थिति रही तो और लोगों को भी करंट लग सका? हाँ, बंदे अगर भी करंट लग सका, बंदे भी।